बेनीपट्टी प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में बुधवार को कृषि विभाग के तत्वाधान में रबी महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन व बीओ सुदर्शन सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बीडीओ श्री रंजन ने कहा कि अनुदानित बीज वितरण कार्यक्रम हो या खाद्य सुरक्षा मिशन हो, इसका लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए जो मूलतः किसान है। भले ही उनकी जमीन का रकबा जो भी हो, लेकिन जो 24 कैरेट किसान है, उनकी किसानों को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दलहन और तेलहन पर 80% का अनुदान देती है, क्योंकि हमारे कृषि संस्कृति में अनाज का उत्पादन अधिक किया जाता है, जबकि दलहन और तेलहन का उत्पादन कम किया जाता है। इसी वजह से बिहार सरकार दलहन और तेलहन की उपज को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है। अब समय की मांग को देखते हुए किसान सभी फसल के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित होकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। बदलते परिवेश में अब यहां के किसानों को भी आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने की जरूरत है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि दो फसलों के बीच दलहन या तेलहन की खेती अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बने रहे, जिससे किसानों के फसलों में पैदावार और उपज की वृद्धि हो सके। फसल चक्र के अनुपालन और फसलों की विविधता से पैदावार और उपज में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मौके पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहनी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह, डॉक्टर मंगलानंद झा, कृषि विशेषज्ञ राम सुंदर महतो, हेमचंद्र ठाकुर, बीटीएम मधुमिता कुमारी, एटीएम रोहित कुमार सिंह, प्रणब कुमार, कृषि समन्वयक नरेंद्र ठाकुर, नवीन नदाप, उप प्रमुख अशोक चौधरी, जुबेर अहमद, संतोष झा, मोहम्मद अरमान, रामहित यादव, मेनका देवी, समीनाथ झा, शैलेंद्र झा, वरुण चौधरी, विनय झा, संजय झा, सुशील मंडल व विजय कुमार यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपका प्रिजर्वेंट में रखा हुआ, मतलब बहुत ही हाई केमिकल्स के साथ उस बीज को प्रिजर्व किया गया है अगले सीजन तक के लिए। वैसे बीज को कोई खाए ना, इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। फैसल दिख भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बिंदु पर बहुत बलाघात देंगे आप अपने कवर स्टोरी में, कि अनुदानित बीज का उपयोग बीज को रोपने के लिए होना चाहिए, ना कि अपने छुरा को भूख को शांत करने के लिए। इस पर सभी वर्ग के लोग ध्यान देंगे। इसमें भी हर एक कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ, मुझे एक जो इनके रिपोर्ट्स को देखने में खास बात देखिए, जो मुझे भी नहीं मालूम था, कि बिहार सरकार तेलहन और दलहन के फसलों पर 80% अनुदान देती है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो पूरा बिहार का बिहार की जो कृषि संस्कृति है, उसमें हम लोग अनाज उत्पादित ज़्यादा करते हैं। मकई बहुत उत्पादित करते हैं। अगर आप खगड़िया से लेकर पूर्णिया वाले बेल्ट में चले जाइए, इस बेल्ट में आप लोग धान और गेहूँ बहुत करते हैं। दलहन और तिलहन हम लोग कम करते हैं, और शायद उसकी फसल को बढ़ावा देने की वजह से ये 80% अनुदान दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक उससे बेहतर बताएंगे कि अगर आप फसल चक्र का अनुपालन करेंगे तो फसलों की विविधता आपकी थाली में भी अलग अलग पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, साथ ही साथ आपके मिट्टी की उर्वरता को भी सुनिश्चित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी तरफ हमारे उप प्रमुख साहब कह रहे थे। उन्होंने भी आत्मा अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात का जिक्र किया कि सबका हेल्थ सॉइल कार्ड बन गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। बिना आप बीमारी का इलाज किए खाद का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप पहले जानिए कि आपके शरीर में व्याधि क्या है। सर दर्द है और आप लूज मोशन की दवा खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने मृदा का, जिसके कारण आपके यहाँ फसलें हो रही हैं, उस मृदा का पीएच फैक्टर क्या है, और भी जो उनके चीज़ें हैं जो आपके सॉइल के टेस्टिंग में आता है उभर कर सामने, उसके हिसाब से फसल का चुनाव और उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि किस तरह के खाद, और उसमें भी केमिकल खाद का आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मा अध्यक्ष इशारा कर रहे थे कि जैविक खेती का भी दौर आ गया है। जैविक खेती के अपने नुकसान भी हैं, लेकिन अगर आप दूरकारी लाभ देखें, जैविक फसलें बहुत देर तक टिकाऊ नहीं होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उनकी ये कमी सामने आई है, लेकिन इसको दूर करने के लिए निरंतर शोध हो रहे हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।